वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों परिमेय संख्या जो हमारा अध्याय एक है उसमें सहचारिता या सहचारिता नियम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको इंग्लिश में इस नियम को क्या कहते हैं बच्चों, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, सहचारिता या सहचारिता नियम। देखिए बच्चों, सहचारिता नियम जो होता है वह सहचारिता का जो अर्थ होता है वह होता है सहयोग करना, ठीक है, या साथ साथ रहना, सहयोग करना या साथ साथ रहना। तो हम लोग परिमेय संख्या को पहले यह सहचारिता नियम जो है हम लोग योग में देखेंगे, यानी जोड़ में। यहाँ पे हमने तीन परिमेय संख्या मैंने लिया है, पहला है -5/4, दूसरी संख्या है 3/8 और तीसरी संख्या है -7/6। और यही संख्याएं मैंने इधर भी लिखी हुई है, ठीक है। तो हमको क्या करना है इस नियम को देखने के लिए, इसमें क्या करते हैं, इस नियम में हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का समूह बनाते हैं, ठीक है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का एक जगह समूह बनाकर एक साथ जोड़ते हैं और एक परिमेय संख्या को बाद में जोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए -5/4, ठीक है, एक पहली परिमेय संख्या, और 3/8 का हमने क्या किया, ब्रैकेट में इस तरह से एक समूह बना लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक समूह बना लिया। अब इस समूह को, इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। और इधर क्या करेंगे हम लोग, -5/4 जो पहली संख्या क्रम में, जो पहली संख्या उसको छोड़ देंगे, और दूसरी संख्या जो क्रम में है 3/8 और -7/6 का हम यहाँ पर समूह बना लेंगे। अब हम इन दोनों को अलग अलग हल करेंगे और देखेंगे क्या आता है उत्तर, उसके बाद इस नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने जो समूह बनाए उसे क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 4 और 8 का हम ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, ठीक है, 4 और 8 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। तो 8 में 4 से भाग देंगे 2, 2 में -5 से गुना करेंगे, यह हो गया -10 प्लस 8 = 1, 1 में 3 का गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 3, -10 + 3 और प्लस चिन्ह जैसे है -7/6, क्या करेंगे हम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद आगे हम लोग इसको हल करेंगे, यह हो जाएगा 8, -10 + 3 कितना हो गया बच्चों, -7 हो गया, प्लस -7/6 जैसा का तैसा वैसा हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों के समूह को हल करने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद -7/8 आया। अब हम ये वाली जो परिमेय संख्या जैसे दी हुई है वैसे हम इसको जोड़ के हल करेंगे। तो 8 और 6 का एलसीएम हो गया बच्चों 24, ठीक है। तो 8 3 = 24, 3 ने -7 का गुना करेंगे -21, जोड़ का चिन्ह जैसे है वैसे हम लिख देंगे, 6 * 24 और 4 में -7 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा -28, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, लिख देंगे -21 प्लस और माइनस कितना होता है बच्चों, माइनस होता है -28/ ये हो गया 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस है, दोनों माइनस है तो क्या करना होता है, हमें इसे जोड़ना होता है, हम जोड़ देंगे 8 + 1 = 9, 2 + 2 = 4, ठीक है, -49/24 यह इसका उत्तर आ गया। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमने जो दूसरा समूह बना उसको हम लोग हल करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं -5/4 जैसा का तैसा हम लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है और इसको हम ब्रैकेट में ही ले लेंगे और हम इसको 8 और 6 का क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। तो 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 24 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 8 3 = 24, 3 में 3 का गुना करेंगे ये आ जाएगा 9 प्लस, ठीक है, और 6 + 24, 4 में -7 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों हमारा -28, ठीक है। इस तरह से हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम इसको हल करते हैं, -5/4 प्लस ब्रैकेट में प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस हो जाता है, तो -9 - 28/24 और इस तरह से ब्रैकेट। अब हम फिर इसको हल करते हैं, -5/4, ठीक है, प्लस 9 में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, उत्तर हमेशा माइनस में आता है, तो हम 28 में से 9 घटा देंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा -19, ठीक है, -19/24,
इस तरह से हमारा आ गया। अब हम माइनस 5/4 और इन दोनों परिमेय संख्याओं के समूह को जो जोड़ा तो माइनस 19/24 आए। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 4 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों आपका एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 को 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 6, 6 में माइनस 5 से गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30, यानी कि ये हो जाएगा -30। और 24 में भाग दिए 24 का 1, 1 में 19 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा -19, ठीक है। जोड़ का चिन्ह जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यह हो गया -30 − 19/24, ठीक है। -30 − 19/24, तो देखिए 9 और 0 यानी कि माइनस माइनस दोनों है, तो दोनों को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। 30 में 19 को जोड़िएगा तो -49/24 आपका उत्तर आएगा, ठीक है। तो इधर भी -49/24 आया और इधर भी -49/24 उत्तर आया। तो देखिए बच्चों, हमने जो तीन परिमेय संख्या ऊपर ली थी और दोनों का अलग अलग समूह बना के जब हम इसको हल किए तो हमारा उत्तर जो है वह सेम आया, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा आया। तो मैंने यहाँ पे तीनों को लिख लिया है, ये एक समूह को हमने हल किया तो -49/24 आया और इस समूह को जब हल किया तो -49/24 आया, यानी यह दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है, यह जो है इसके बराबर है। और इसी नियम को हम कहते हैं सहचारिता नियम, ठीक है। क्या कहते हैं, सहचारिता नियम। इन दोनों का समूह को जब हम हल करते हैं तो तीसरी और दूसरी और तीसरी का जो समूह अलग से बनाए इन दोनों का उत्तर जो है एक जैसा आएगा। अब देखिए कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ सकता है, क्या हम -7/6 और -5/4 का समूह बनाएंगे तो भी क्या वही उत्तर आएगा, ठीक है। -7/6 और -5/4 का जब हम समूह बनाएंगे तो क्या यही उत्तर आएगा, जैसे क्या कह रहे हैं हम, -5/4 जोड़ -7/6 + 3/8, हमने क्या किया, इसका समूह बना लिया, ठीक है। किसका किसका समूह बने, -7/6 और -5/4 का क्या किए बच्चों, हम लोगों ने एक समूह बना लिया, ठीक है। तो क्या इसका समूह जो हमने बनाया, ठीक है, इसका समूह जो हमने बनाया और जो हम इसका समूह और दूसरा क्या करेंगे, इस तरह से हमने लिख लिया, यहाँ पे हम लिख लेंगे फिर से -5/4 + -7/6 + 3/8, ठीक है, और -7/6 + 3/8 का अगर हम समूह बनाते हैं तो क्या इन दोनों का उत्तर जो है वह सेम आएगा, क्या सहचारिता नियम जो है वह सत्य होगा। तो देखिए यह वाला जो समूह है -5/4, ठीक है, -7/6 इधर और 3/8 इधर, इसका तो उत्तर हम लोगों ने यहाँ पे हल किया है। देखिए ये वाला जो है हमने यहाँ हल किया तो -49/24 आया है, यानी कि इस वाला जो समूह बनाया है इसका तो उत्तर -49/24 हमने हल किया है, लेकिन इस वाले को हमने हल नहीं किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करके देखते हैं क्या सेम यही उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए हल करते हैं, 4 और 6 का पहले जो समूह बना इसको हल करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 4 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों क्या, 12, ठीक है। तो 4 × 4 = 12, 3 में -5 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा -15, 6 × 12, 2 में 7 से गुना, -7 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, -14, ठीक है, यह हो जाएगा, सॉरी ये प्लस चिन्ह है, ठीक है, ये प्लस है, तो यह हो जाएगा -14 प्लस, हम यहां लिख देंगे इसको आप ब्रैकेट में पूरा लिख दीजिए, +3/8, ठीक है, +3/8। तो अब देखिए यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, -15, प्लस और माइनस माइनस होता है, -14, ठीक है, और इस तरह से ब्रैकेट में +3/8, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग जोड़ देंगे, 4 और 5 = 9, 1 और 1 = 2, यानी -29/12 + 3/8, ये आ गया हमारा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का
एलसीएम निकाल के इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम जो होगा वो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 24। तो हम यहाँ लिख देते हैं 24, ठीक है। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 2 में 29 से गुना करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 2 9 18 का 8, एक लगा हाथ में, 2 2 4 1 5 -58 आ जाएगा, प्लस 8 3 का 24, 3 3 का 9, ठीक है। -58 + 9/24, अगर आप 58 में से 9 को घटाते हैं बच्चों तो आपका आ जाएगा 18 माइनस 9 में से 9 हो गया और यहाँ बच गया 4 यानी -49/24, ठीक है। -49/24 यानी कि जब हमने -5/4 और ये 7/6 का जब समूह बनाकर हल कर रहे हैं तो भी हमारा -49/24 आ रहा है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि परिमेय संख्याओं में योग के लिए जो सहचारिता नियम है वह सत्य है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि 3 परिमेय संख्याओं के लिए योग का सहचारिता नियम सत्य है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग परिमेय संख्याओं का घटाओ के लिए सहचारिता नियम को देखें। जैसे हमने जोड़ में समूह बनाया था, हम क्या करेंगे, पहली 2 संख्याओं का समूह बना लेंगे और इधर बाद में 2 संख्याओं का इधर हम क्या किए, समूह बना लिए, ठीक है। -3/8 -5/4 का 1 समूह बना लिए और इधर -5/4 और -2/6 का 1 समूह बना लिए, ठीक है। तो यहाँ 3 परिमेय संख्या दिया है और हम लोग सहचारिता नियम को देखेंगे सत्य है कि नहीं घटाओं के लिए। तो चलिए हम लोग इसको बच्चों हल करते हैं। 8 और 4 का एलसीएम जो हो गया हमारा हो गया बच्चों 8, ठीक है। 8 1 8, 1 में 3 से गुना किए -3 से तो यह हो गया -3। माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह हम ऐसे लिख देंगे, 4 2 8 2 5 10, यह हो गया -10, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो माइनस चिन्ह है माइनस और यह हो गया -2/6, हम यहाँ पर ऐसा क्या किए बच्चों इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हो गया एलसीएम 8 जो हमने लिखा था 8 लिख दिए, -3 और -10 कितना हो गया बच्चों -13, ठीक है, -13 और यह हो गया -2/6, ठीक है। अब हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 8 और 6 का। 8 और 6 का एलसीएम निकाले तो यह हो गया बच्चों 24, ठीक है। तो 8 3 का 24, 3 में -13 से दुगुना किए तो यह आ गया -39 और यह माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह 24, तो 4 में -2 का गुना करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों -8, कितना आ गया -8। चलिए -39 और यह माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों, यह माइनस और माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, +8। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +8 हमने लिख दिया, +8/ यहाँ पे हो गया 24। तो -39 में से जब 8 घटा देंगे तो यह आ जाएगा -31/24, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया बच्चों, -31/24। तो देखिए बच्चों जब हमने घटाओं में ये वाला हल किया, पिछला जो मैंने वीडियो बनाया इसको जब बनाते हुए तो उसमें आवाज थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए मैं इसको दोबारा फिर से बोल रही हूं। तो यह जो हमने समूह बनाकर हल किया तो देखिए -3/8 माइनस और इन दोनों का हमने एलसीएम लिखा तो 12 आया लिया, तो 4 3 का 12, 3 में 5 से गुना किए 15, माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह लिखे और ये 6 2 12, 2 में -2 का गुना किए तो -4, ठीक है। फिर -3/8 माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 15 जोड़ 4/12 हो गया। अब ये -3/8 माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह, 15 और 4 19 19/12, ठीक है। फिर इन दोनों परिमेय संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम हमने 24 लिया, उसके बाद 24 लेने के बाद 8 3 का 24, 3 में -3 से गुना किया तो -9 और यह माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह, 12 2 24, 2 में 19 का गुना किया तो यह हो गया 38, ठीक है। तो -9 और -38 को हम
जब जोड़ेंगे और चिन्ह रहेगा माइनस का, तो यह हो जाएगा -47/24। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं बच्चों, घटाओं के लिए जब हम सहचारिता नियम को लागू कर रहे हैं तो यह सत्य नहीं है। एक बार -31/24 उत्तर आया है और दूसरी बार -47/24 उत्तर आया, यानी दोनों अलग अलग समूह का जो सहचारिता हमने बनाया वो दोनों अलग अलग उत्तर आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः परिमेय संख्याओं के लिए घटाओं का सहचारिता नियम सत्य नहीं है। इसलिए यह जो हमने जो परिमेय संख्याओं का घटाओं के लिए सहचारिता नियम हल किया, यह दोनों जो है बच्चों एक दूसरे के बराबर नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गुणा का सहचारिता नियम परिमेय संख्याओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीन परिमेय संख्या लिख लिया है, -5/8 गुना 7/6 गुना -2/5। ठीक है, इधर भी मैंने लिख लिया है। यहाँ पे पहली और दूसरी जो क्रम में संख्याएं उनका समूह बना लिया है और इधर दूसरी और जो तीसरे क्रम की संख्याओं है उनका समूह बना लिया। अब हम इन दोनों को अलग अलग हल करके देखेंगे कि यह सहचारिता नियम गुणा के लिए सत्य है या असत्य है। तो चलिए बच्चों, इस समूह को पहले हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो -5 में 7 का गुना किए तो 5 7 35, ये हो गया -35/8 और 8 में 6 का गुना किए तो कितना हो गया बच्चों, 8 6 48। ठीक है, और गुना हो जाएगा -2/5 का। -35 में -2 का गुना करें यानी 35 × 70, माइनस से माइनस का गुना किए तो पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया +70। अब 48 में 5 का गुना करेंगे तो 5 8 40 का 0, 4 लगा हाथ में, 5 4 20 4 24 240, यानी 70/240 आया जब हमने इसको हल किया। तो चलिए अब हम लोग दूसरे वाला समूह का जो यह परिमेय संख्याओं का गुना है उसको हल करते हैं। तो यह हो जाएगा -5/8 का -5/8 गुना, ठीक है, 7 × 14 यानी -14 और 6 5 30। ठीक है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट खोल के लिख लेंगे, -5/8 गुना -14/30। ठीक है, अब 5 में 14 5 70, ठीक है, माइनस माइनस का गुना किए तो प्लस, तो यह आ गया 70। ठीक है, 8 3 का 24 और यह 0, यानी 8 में 30 का गुना किए तो 240, इधर भी 70/240 और इधर भी 70/240। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों -5/8 गुना 7/6 का यह जो सहचारिता है गुना -2/5 जो है यह बराबर है -5/8 गुना 7/6 गुना -2/5 के। ठीक है, तो यह क्या है बच्चों, यह दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तीन परिमेय संख्याओं का गुना के लिए सहचारिता नियम सत्य है। ठीक है, इसलिए बच्चों परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का सहचारिता सत्य है। ठीक है, सहचारिता सत्य है, मतलब कोई भी अगर तीन संख्या है ए बी और सी, तो ए गुना बी गुना सी, इसमें जो इसकी सहचारिता है ए और बी के साथ वह बराबर होगा ए गुना बी गुना सी, बी और सी के सहचारिता से। हम किसी पूर्ण संख्या के लिए भी यह सत्य होता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के लिए भी, जो हम परिमेय संख्याओं के लिए ज्यादातर पढ़ते हैं वह पूर्ण संख्याओं के लिए भी सत्य होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ भी नंबर ले ले, 2 × 3 × 5, हमने 3 संख्या ले ली, 2 और 3 का एक जगह हमने कर दिया और इधर भी हमने 2 × 3 × 5, 3 और 5 का सहचारिता एक जगह कर दिया और इसमें 2 और 3 की सहचारिता कर दी, तो 2 × 6 × 5 और यहाँ हो जाएगा 2 × 3 = 25, यह हो जाएगा 15। तो 6 × 25 क्या हो गया बच्चों, 30, और 2 × 15 = 15, ये क्या हो गया 30, यानी कि यह दोनों बराबर है। ठीक है, तो सहचारिता नियम जो है वह जो है परिमेय संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए जो है क्या है बच्चों, वह सत्य है।
चलिए अब हम लोग भाग के लिए सहचारिता नियम को देखते हैं कि यह सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन परिमेय संख्याओं को लिया है और इधर भी वही तीन परिमेय संख्या को मैंने लिख दिया है। तो पहले 1/2 में भाग देना है 3/4, फिर भाग देना है 5/8, तीन परिमेय संख्या। तो हमने समूह बना लिया 1/2 भाग 3/4 का एक समूह बना लिया और इधर 3/4 में भाग -5/8 का एक समूह बना लिया। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको हल करते हैं। तो 1/2 ये भाग बदल जाएगा गुना में और यह जो 3/4 है वह हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसी तरह हम भाग देते हैं, भाग कितना देना है -5/8 से। चलिए इसको हल करते हैं, 1 में 4 का गुना 4, 2 3 का 6 और इसमें हमें भाग देना है -5/8 से। फिर 4/6 में जो भाग देना है -5/8 से उसको करते हैं 4/6, ये भाग जो है गुना में बदल गया और यह हो गया 8/-5। कितना हो गया बच्चों, 8/-5। ठीक है, तो 8 चौका ये हो गया आपका 32 और यह हो गया 6/5 -30। ठीक है, इसको हम क्या लिख देते हैं बच्चों, -32/, हम इसको 30 इस प्रकार लिखते हैं। तो इसका क्या उत्तर आया, -32/30, -32/30। चलिए हम लोग इधर वाले को हल करके देखते हैं कि इसका क्या उत्तर आता है। तो चलिए बच्चों हम लोग इधर का हल करके देखते हैं। तो यह हो गया 1/2 में हमें भाग देना है, हम ब्रैकेट कर देंगे, 2/4 में भाग देना है, यह हो जाएगा गुना और -5/8 कितना हो जाएगा बच्चों, 8/-5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, 1/2 में भाग, अब क्या करेंगे, 8 में 2 का गुना किए तो बच्चों 8 में 2 का हमने गुना की, नहीं 3 है, सॉरी यह 3 है बच्चों, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 3। ठीक है, 3 में 8 का गुना करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 24 और 5 चक्के ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से 1/2 में हमें भाग देना 24/-20 से। ठीक है, तो 1/2, ठीक है, 1/2 ये भाग जो हो जाएगा गुना हो जाएगा, यह हो जाएगा -20/24, कितना हो गया -20/24। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका गुना कर देंगे, तो 1 में -20 का गुना किए तो -20 और 2 में 24 का गुना किए तो हमारा आ गया -20/48। ठीक है, क्या आ गया, -20/48। अब आप यह देखिए यहां पर, यह देखिए यहां पर, आप यह दोनों को जब हम हल करते हैं गुण भाग में, जब हम सहचारिता नियम को हल करते हैं सहचार सहयोग करके दो संख्याओं का, तो दोनों का हमारा उत्तर जो है बच्चों क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, 1/2 में जब हम भाग दिए 3/4 का समूह बनाकर भागा -5/8 तो यह बराबर नहीं है 1/2 भाग 3/4 भाग -5/8 के। ठीक है, यानी कि सहचारिता नियम जो है परिमेय संख्याओं के लिए भाग के लिए सत्य नहीं है।